माय चैनल टेडी एंड वर्षो और आज एक बार फिर से हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम अनबॉक्स करेंगे ये नीथो ब्रांड का हेडसेट। ये हेडसेट मुझे नीथो ब्रांड ने कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट भेजा है। इस हेडसेट को मैं पहली बार अनबॉक्स करूंगा, देखूंगा, ज़्यादा कुछ पता नहीं है तो फर्स्ट इम्प्रेशन रिव्यू दूंगा कि ये हेडसेट कैसा है। साउंड क्वालिटी भी चेक करेंगे और देखेंगे कि बाकी हेडसेट के मुकाबले जो मैंने पास में यूज़ किए हैं उनके मुकाबले इस हेडसेट की साउंड क्वालिटी कैसी है। अभी तक मैं ये टर्टल बीच का हेडसेट यूज़ करता आ रहा हूँ। ये काफ़ी प्रीमियम और हाई क्वालिटी हेडसेट है, इसको हम इससे कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही प्रीमियम और हाई क्वालिटी हेडसेट है। 7.1 है, ये भी 7.1 हेडसेट है सराउंड साउंड, बट ये काफ़ी प्रीमियम हेडसेट में आता है। इसकी वर्थ 15,000 रुपीज़ है इंडियन INR में। ये हेडसेट आपको अमेजोन में 2,000 के अंदर मिल जाएगा। अगर ये हेडसेट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको चेकआउट करो और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उससे जाके इस प्रोडक्ट को खरीदो। रिव्यू करते हैं और उसके बाद डिसाइड करना ये प्रोडक्ट लेना है कि नहीं। तो सबसे पहले इसको अनबॉक्स करते हैं जल्दी से। ये जैसा कि आप देख सकते हो हेडसेट देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, पैकिंग काफ़ी अमेजिंग है। कलर इसका ब्लैक है तो ये एकदम आराम से किसी भी ड्रेस अटायर के साथ ये मैच करेगा। मुझे देखने में फर्स्ट इंप्रेशन में क्वालिटी बहुत ही मज़ेदार लग रही है, अमेजिंग लग रही है। आई एम श्योर कि आई एम गोना यूज़ दिस फॉर माई गेमिंग। पबजी खेलते वक्त और एक्सबॉक्स से गेम खेलते वक्त ये हेडसेट मैं काफ़ी यूज़ करने वाला हूँ। तो अब बॉक्स से बाहर निकलता हूँ मैं। ओके, वायरिंग थोड़ा सा नीचे है प्लास्टिक के तो मुझे थोड़ा सा हेल्प लेनी पड़ेगी, इसको साइड में रख के निकालना पड़ेगा, फिर मैं दिखाता हूँ कि हेडसेट कैसा है। सबसे पहले इस ब्रांड की बात करते हैं, नीथो। नीथो गेमिंग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। गेमिंग चेयर मैंने रिसेंटली ली थी, ये हेडसेट लिया है मैंने, उसके बाद ये कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट भेजा है नीथो ने वैसे तो मेरे को, बट काफ़ी अच्छा लगा था उन सारे हेडसेट देखने के बाद। उनके पास काफ़ी वैरायटी है। इस हेडसेट का नाम है टाइटन, उनके पास एटलस है। सारे मॉडल्स का नाम मुझे याद नहीं है बट मैंने उनकी वेबसाइट चेकआउट की थी और काफ़ी ढेर सारे वेरिएंट्स हैं, तो प्लीज़ चेकआउट, लिंक डिस्क्रिप्शन में फिर से मैं डाल दूंगा। अगर आपको हेडसेट पसंद आता है अपने बजट के हिसाब से आप ये हेडसेट ले सकते हो। मैंने बताया अमेजोन पर ये अंडर 2,000 मिल रहा था, अगर आप लेना चाहते हो तो आप इसको ले सकते हो। इसमें लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन, यू मेड द बेस्ट चॉइस। आई होप आई मेड द बेस्ट चॉइस, आई होप नीथो मेड द बेस्ट चॉइस। जब वो कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट मुझे दे रहे थे तो उन्होंने सबसे अच्छा सबसे महंगा वाला वेरिएंट उन्होंने मुझे को भेजा है। सो लेट्स सी कि क्वालिटी कैसी निकलती है, थोड़ा सा यूज़ करेंगे उसके बाद पता चलेगा। यहाँ पे एक उन्होंने अडैप्टर भी दिया है, ये अडैप्टर मैंने किसी हेडसेट में नहीं देखा बट ये अडैप्टर बहुत काम का है। यहाँ पे मॉडल नंबर लिखा हुआ है टाइटन, उल्टा दिख रहा होगा आपको बट बता देता हूँ क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा यूज़ कर रहा हूँ इस वीडियो को बनाते वक्त। ये अडैप्टर जो है बेसिकली 3.5 mm जैक को USB में कन्वर्ट करता है, तो अगर आपके लैपटॉप में 3.5 mm जैक नहीं है तो आप USB पोर्ट में लगा के ये हेडसेट यूज़ कर सकते हो। तो अब आते हैं इस हेडसेट की बात करते हैं। फर्स्ट इम्प्रेशन प्लास्टिक, यहाँ पे प्लास्टिक दिया हुआ है, प्लास्टिक है या रबर है, एक्चुअली रबर का ग्रिप है, अंदर आई थिंक मेटल है। ये सॉफ्ट फोम है नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ भी कुछ अलग सा मटेरियल है, मे बी साइड में सॉफ्ट प्लास्टिक है एंड ऊपर कुछ फोम सा ही है, तो काफ़ी लाइट वेटेड है जिसके कारण, क्योंकि मेटल और प्लास्टिक काफ़ी कम यूज़ किया गया है। साइड में प्लास्टिक की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, थोड़ा पास करके मैं दिखाता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा सेल्फ डिज़ाइन दिया हुआ है, यहाँ पे ब्रांड सॉरी मॉडल का नाम दिया हुआ है जो कि टाइटन। जब मैं ऑनलाइन चेक कर रहा था तो मैंने देखा था ये RGB हेडसेट है, तो मतलब RGB लाइटिंग भी इसमें होगी, जब ऑन करेंगे कनेक्ट करेंगे तो पता चलेगा। दोनों साइड के जो फोम मैं देख रहा हूँ इस साइड में और इस साइड में काफ़ी सॉफ्ट और अच्छे हैं, तो लॉन्ग आवर्स में प्रॉब्लम नहीं होगी आई एम श्योर। ये हेडसेट काफ़ी अच्छा लगेगा, एक बार इसको पहन के भी देखते हैं लेफ्ट और राइट। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लग रहा है, इसको लगाते ही पता चल रहा है कि थोड़ा जो नॉइस था बैकग्राउंड नॉइस वो कम हो गया है ऑटोमेटिकली। नॉट श्योर कि सपोर्ट करता है कि नहीं बैकग्राउंड नॉइस कैंसिलेशन, आई डोंट थिंक करता है, बट लगाने से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है, जो सराउंडिंग की नॉइस थी वो कम हो गई है। कुशन काफ़ी सॉफ्ट है तो काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है, फर्स्ट इंप्रेशन में अच्छा लग रहा है।
एंड यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ ऑलरेडी 3.5 mm जैक दिया हुआ है और साथ में एक USB पोर्ट भी दिया हुआ है। इस कनेक्टर का कैसे यूज होगा मुझे अभी तो नहीं पता, बट लेट्स चेक आउट, क्योंकि मुझे पता है कि 3.5 mm जैक और USB में कन्वर्ट करता है। ऑलरेडी USB दिया हुआ है तो हो सकता है दोनों को USB करना पड़े तब ये हेडसेट ऑन हो। लेट्स सी, लेट्स ट्राई इट आउट एंड सी, फाइंड इट आउट कि क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे एक देख सकते हो आप बेसिकली स्विच दिया हुआ है जिससे आप इस हेडसेट को कंट्रोल कर सकते हो। प्लस माइनस करने का है ऑप्शन दिया जिससे आप वॉल्यूम कंट्रोल कर पाओगे, आई एम अज्यूमिंग। म्यूट करने का ऑप्शन भी दिया है, एक बटन को आप इधर शिफ्ट करोगे तो म्यूट हो जाएगा, इधर करोगे तो अनम्यूट हो जाएगा। यहाँ पे लाइट का आइकन बना हुआ है तो आई अज्यूम कि ये इससे RGB लाइट कंट्रोल होगी। एक बात और बता दूं कि तार काफ़ी लंबी है, देख सकते हो ऑलरेडी इतनी लंबी दिख रही है और साथ में इतनी बंधी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप इसको अपने CPU में लगाओ, लैपटॉप में लगाओ और दूर तक ले जा सकते। सो मैं पहले 3.5 mm जैक से कनेक्ट करके देखता हूँ कि इसकी RGB लाइट ऑन होती है कि नहीं। आई थिंक ये इसको पावर देगा और ये इसको साउंड देगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो मैंने इसको लगा लिया है, मैंने सही कहा था 3.5 mm जैक जो है इसको साउंड देता है, माइक एंड ऑडियो। एंड उसके अलावा ये जो है पावर जो आया है वो USB के थ्रू आया है। लाइट ब्लू कलर की ऑन हो गई है आई थिंक। बट अब हम बटन दबा के देखते हैं जिसकी हमने बात करी थी कि जो RGB कंट्रोल करेगा उससे लाइट चेंज होती कि नहीं। जैसे कि मैंने दबाया और लाइट ग्रीन कलर की हो गई है, फिर रेड हो गई है, तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है अभी फर्स्ट इम्प्रेशन में। दोनों साइड आप देख सकते हो, आई एम गोइंग यूज द रेड वन बिकॉज वो मेरे थीम से मैच करेगा। मेरी जो गेमिंग सेटअप है वो रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, तो ये हेडसेट उसमें चार चांद लगाने वाला है आई एम श्योर। सो आइए अब जल्दी से इस हेडसेट की साउंड क्वालिटी चेक करते हैं। सुना नहीं पाऊंगा, मैं सुनूंगा, आपको फीडबैक दूंगा। सो गाइस साउंड इसकी मैंने चेक कर ली और काफी अमेजिंग साउंड है इसकी। सबसे पहली बात विंडोज सोनिक में चेक किया, अमेजिंग। डॉल्बी एटमॉस लगा के चेक किया, अमेजिंग। बिना कोई सॉफ्टवेयर के चेक किया, अमेजिंग। नो डाउट सबसे बेस्ट आई थी आउटपुट जो आया वो आपका आया डॉल्बी एटमॉस के साथ, बट उसके बिना भी बहुत ही ज़्यादा लाउड एंड क्लियर साउंड है। 7.1 आप एक्सपीरियंस कर सकते हो इस हेडसेट के साथ। बहुत ही लाइट वेटेड मैंने पहले ही बताया था, तो मुझे लगता है कि हेडसेट काफ़ी अच्छा है 2000 की बजट में। अगर आपका बजट 2000 के आसपास है तो आई वुड रिकमेंड कि आप इस हेडसेट को चेकआउट करो, आपको ज़रूर ये हेडसेट पसंद आएगा। यहाँ से आपको मैंने बता दिया कौन कौन से फीचर्स कंट्रोल कर सकते हो। लाइटिंग के 3 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, ब्लू है, ग्रीन है, रेड है। रेड मेरा फेवरेट है क्योंकि ये मेरे थीम के साथ मैच करता है, और चाहो तो इसको आप पूरा बंद भी कर सकते हो। यहाँ पे म्यूट बटन दिया है, अब म्यूट बटन कैसे, माइक्रोफोन कहाँ पे है तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे लीवर दिया है, इसको आप पुश करो तो ये बूम आर्म आपका बूम माइक बेसिकली बाहर आ जाएगा। लगा के अपने फ्रेंड से टीममेट से आप आराम से बात कर सकते हो। म्यूट अनम्यूट यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो जो कि बहुत ही इजी टू यूज़ है। हेडसेट यूज़ करने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, सिर्फ 3.5 jack mm से भी हेडसेट आपका काम करेगा। इसको लगाने की ज़रूरत तब है जब आपको हेडसेट को पावर देना होगा, जब आपको ये RGB लाइट चलानी होगी। रही बात इसकी, अगर आपके लैपटॉप में या PC में 3.5 mm जैक नहीं है तो ये कनेक्टर दिया हुआ है, इसका इस्तेमाल करो और USB पोर्ट में कनेक्ट करके ये हेडसेट यूज़ कर सकते हो। सो काफ़ी लाइट वेटेड है, किसी भी हेड पे आराम से फिट होगा, बड़े हेड पे, छोटे हेड पे, क्योंकि ये आराम से अच्छा दिया हुआ है, फ्लेक्सीबल है, मजबूत लग रहा है, सॉफ्ट नहीं है इतना, बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं लग रहा है कि फ्रेजाइल है, टूट जाएगा। आई थिंक रफ एंड टफ है। यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा बहुत मूवमेंट भी है, बट हाँ ये ऐसे पूरा मूव नहीं होता, वरना इसको यहाँ पे नेक पे लगा के साइड में ऐसे मूव करके काफ़ी आसान होता। थोड़ा सा वो दिक्कत आएगी, थोड़ा सा ये टाइट हो रहा है क्योंकि बड़ा है तो नेक पे लग रहा है, तो आई एम नॉट श्योर कि आप कंफर्टेबल रहोगे नेक पे इसको फिट करके कि नहीं। बट ओवरऑल देखा जाए तो डिज़ाइनिंग के मामले में आई थिंक बहुत अच्छा है, क्वालिटी भी डिसेंट इनफ है, प्लास्टिक मटेरियल भी डिसेंट इनफ है। लुक आप देख ही रहे हो, ब्लैक कलर में है तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी टायर के साथ फिट होगा। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, आई होप कि आपको ये हेडसेट पसंद आया हो और साथ ही साथ ये वीडियो भी पसंद आया हो। प्लीज़ लीव अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अगर आप ये हेडसेट लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाके चेकआउट करो और परचेज करो।
थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम. टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय बाय.